स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी सॉल्व एक्सरसाइज 4.9 अप टू क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्लास वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.9. सो लेट्स वी सी अवर क्वेश्चन. सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन? The height of a tower is 30 meter 75 centimeter. यहाँ पर आपको एक टावर दिया है जिसकी हाइट दी हुई है. उसकी हाइट कितनी है? 30 meter and 75 centimeter. The height of another tower. यहाँ पर another tower, that means यहाँ पर एक और टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 17 meter and 18 centimeter. ओके, तो यहाँ पर दो टावर आपको दिए गए हैं और दोनों टावर की जो हाइट है उनके बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है. द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन जो टावर है आपका उसकी हाइट कितनी है? 17 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द डिफरेंस? हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन दोनों की जो हाइट्स है उनके बीच में. हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. ओके, तो क्वेश्चन में आपको दो टावर दिए हैं, उन दोनों टावर्स की हाइट दी है एंड आपको बोला जा रहा है कि इसमें जो दोनों टावर है उनकी जो हाइट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स वी सॉल्व अवर क्वेश्चन. सो वी राइट फर्स्ट लाइन द हाइट ऑफ, अब यहाँ पर ए टावर के प्लेस पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, क्योंकि यहाँ पर आपको टू टावर्स दिए हैं तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर कितनी है हमारी? 30 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर? नाउ आवर सेकंड लाइन इज द हाइट ऑफ सेकंड टावर कितनी है भाई? सेकंड टावर की हाइट 17 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें दोनों के बीच की हाइट जो है उसका डिफरेंस फाइंड करना है. सो द डिफरेंस between the height of two towers. ओके, हमें दोनों टावर के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का वो फाइंड करना है. आपको अलग से जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना तो उसमें आप अलग से वर्ड्स लिखने की कोशिश मत किया कीजिए. आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होता है आप उसी से अपनी स्टेप्स बनाया कीजिए. ओके, क्योंकि हम अगर अलग से लिखते हैं तो सेंटेंस में भी मिस्टेक हो सकता है. इससे बेटर है कि आप क्या करें, जो आपको लाइंस दिए हैं उसी से आप वर्ड्स प्रॉब्लम बनाएं. ओके, सो फाइंड द डिफरेंस. अच्छा, जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? टेल मी.
वेरी गुड, है ना। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब डिफरेंस फाइंड करना होता है, और जब किसी को मर्ज करना होता है, कंबाइन करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उनका एडिशन करते हैं, उनको ऐड करते हैं। वेरी गुड। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, पहले हम सेंटीमीटर वाला करेंगे, आफ्टर देन हम मीटर वाला करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 में से 8 माइनस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो हम क्या लेंगे, 7 से 1 कैरी ले लेंगे, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये जो 7 है, 7 ने कैरी दिया 5 को, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, 6, है ना। 7 ने 1 कैरी दे दी ना 5 को, तो यहाँ पर 7 में से 1 नंबर कम हो गया, तो जब 7 में से 1 नंबर कम हो गया तो 7 अब क्या हुआ, 7 कितना बचेगा, 6 बचेगा। वेरी गुड। सो 15 में से 8 को माइनस करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है, तो आपको मेथड पता है कैसे करेंगे, 2 मेथड्स होती हैं, है ना। या तो आप इस तरह से 15 लाइंस खींचेंगे और उसमें से आप क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, अदरवाइज हम हमारे हैंड्स पे भी काउंट कर सकते हैं, है ना। एक फिंगर में कितने हैं पार्ट, 1, 2, 3, है ना, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, और एक और हम इस फिंगर को ले लेंगे, 12 13 14 15। ओके, अब इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये माइनस हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4, 4 तो इस हैंड में से बचा, है ना, और अभी ये पूरा 3 ब्लॉक्स अभी हमारे पास बचे हुए हैं, 4 इधर, 4 के बाद 5 6 7। ओके, तो 15 में से 8 माइनस हुए तो कितना लेफ्ट हुआ, 7। वेरी गुड, आप लोगों को सब आता है ना। नाउ 6 में से 1 माइनस हुए, ये तो बहुत इजी है, है ना, 6 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितना माइनस करना है, 1, तो कितना लेफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5। ओके, और अब सेंटीमीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया 57 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम मीटर वाला सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 7 है, तो क्या 0 में से 7 माइनस हो सकता है, नो, तो हम इस 3 से कैरी ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा 10, और ये वाला 3 हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस 3 ने 1 कैरी दे दिया किसको, 0 को, तो यहाँ पर 3 में से 1 जब जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कैसे, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, आपने 1 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दिया, तब आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे, यस 2 चॉकलेट्स। सो एज सिमिलर, यहाँ पर 3 थे और यहाँ से 1 कैरी 0 को दे दी, तो यहाँ पर कितना लेफ्ट हुआ, 2। ओके, अब हम 7 माइनस कर सकते हैं 10 में से, 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10। ओके, तो ये हमारे पास 10 ब्लॉक्स हो गए। अब इसमें से हमें कितने माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितना लेफ्ट, 1 2 3, तो ये हुआ हमारा 3। ओके, एंड 2 में से 1, ये तो बहुत इजी है ना, 2 चॉकलेट्स है, एक फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास कितनी लेफ्ट हुई, 1। वेरी गुड, सो 2 माइनस 1, सो 1, एंड हियर मीटर, है ना। मीटर के प्लेस पर क्या लिखते हैं, हम मीटर लिखते हैं, और सेंटीमीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर। सो अब हमने फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिया हमने, डिफरेंस बिटवीन किसके, वो हाइट ऑफ 2 टावर्स, मतलब हमें जो 2 टावर दिए हैं इन दोनों की हाइट हमें दी हुई है, इसका डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया कि इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की हाइट में है 13 मीटर 57 सेंटीमीटर डिफरेंस,
ओके गुड, हाँ आपको आ गया, सुपर, ओके। सो वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट हियर क्वेश्चन नंबर 6। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 स्नेहा वेंट ऑन अ वॉक फॉर चैरिटी विद हर फ्रेंड मेघा। स्नेहा और मेघा टू फ्रेंड्स हैं और वो एक चैरिटी वॉक के लिए जाते हैं। ओके सो इफ स्नेहा वॉक्ड 500 मीटर, है ना, जो स्नेहा है वो कितना वॉक करती है चैरिटी के लिए, 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर। एंड मेघा वॉक्ड 4 किलोमीटर 200 मीटर, जो मेघा है वो कितना वॉक कर रही है, 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर। सो हाउ मच डिड दे वॉक इन ऑल। ओके दैट मीन्स हमें इसमें फाइंड करके बताना है कि दोनों ने कितना वॉक किया। ओके 5 किलोमीटर किसने किया, स्नेहा ने किया, 4 किलोमीटर एंड मोर किसने किया, मेघा ने किया, तो दोनों ने टोटल कितना वॉक किया। ओके इसके बाद अभी भी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, आफ्टर देन वन मोर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड स्नेहा वॉक्ड देन मेघा। इसमें हमें ये भी बताना है कि स्नेहा ने मेघा से कितना ज्यादा वॉक किया। ओके वैसे भी आपको शो हो रहा है कि स्नेहा 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर वॉक कर रही है और मेघा 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर वॉक कर रही है, मीन्स स्नेहा ने ज्यादा वॉक किया है, ये आपको वैसे भी क्वेश्चन में देखकर पता लग जाएगा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को, टू क्वेश्चंस है तो हम इसमें टू सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। एक किसके लिए करते हैं, एक दोनों ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए कर लेते हैं, और सेकंड वाला किसके लिए कर लेते हैं, मोर देन स्नेहा ने कितना मोर देन मेघा से ज़्यादा वॉक किया है ना, तो हम ये दोनों सेक्शन में करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्टली हम कौन सा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्नेहा वॉक्ड कितना, 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ओके एंड मेघा वॉक्ड कितना आएगा, 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ओके यहाँ थोड़ा छोटा लिख देती हूँ मैं इसको। ओके तो मेघा वॉक्ड 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर, स्नेहा वॉक्ड 5 किलोमीटर 500 मीटर। अब दोनों ने कितना वॉक किया है ना, इसको थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा एरो, 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ओके यहां पर हम लिख देंगे दे वॉक्ड 400 मीटर। यहां पर हम इक्वल करके लिख देते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को ऐसे, ठीक है। ऑलवेज जिस चीज को हम फाइंड कर रहे हैं ना उसके इक्वल के सामने होना चाहिए, क्योंकि हमें फिर कैसे पता पड़ेगा कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो भी हम फाइंड कर रहे हैं उसके इक्वल में ही हम लिखते हैं। ओके सो नाउ यहाँ पर हमें दोनों का जो डिस्टेंस है
वो क्या करना है, ऐड करना है कि दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7। सो यहाँ पर 700 क्या आ गए, मीटर आ गए हैं। नाउ यहाँ पर 5 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9, सो 9 किलोमीटर। तो दोनों ने मिलकर कितना वॉक किया, दोनों ने, जब दोनों को हम साथ में काउंट कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर स्नेहा ने और 4 किलोमीटर एंड मोर किसने, मेघा ने वॉक किया, तो दोनों ने मिलाकर 9 किलोमीटर 700 मीटर वॉक किया। अब हमको दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि स्नेहा ने कितना मोर देन मेघा से वॉक किया है। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, स्नेहा वॉक्ड कितना है 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर एंड मेघा किलोमीटर एंड 200 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड स्नेहा वॉक्ड देन मेघा। तो पहले तो हम यहां लाइन को खींच देते हैं। आफ्टर दैट अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे कि स्नेहा ने कितना वॉक ज्यादा किया मेघा से। सो स्नेहा वॉक्ड मोर देन मेघा इक्वल। ओके, अब इक्वल में हमें फाइंड करना है। सो 0 माइनस 0 0, वेरी गुड। 0 माइनस 0 अगेन 0, 5 में से 2 माइनस करना है, कैसे करेंगे, अभी हमने फिंगर्स पे काउंट किया था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी हम फिंगर्स पर ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो इसमें से 2 माइनस करना, 1 2, सो 1 2 3, सो 3 मीन। एंड 5 में से 4 माइनस हुए 1, वेरी गुड, किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर 300 मीटर वॉक्ड, कौन ने ज्यादा वॉक किया, स्नेहा ने कितना ज्यादा वॉक किया मेघा से, 1 किलोमीटर 300 मीटर है ना, इतना ज्यादा मोर देन स्नेहा वॉक्ड टू मेघा। ओके, क्लियर, ओके, सो वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।